हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स के ऊपर रीडिंग। देखेंगे उनका नेक्स्ट सेक्शन क्या होगा। गाइस, ये एक जनरल रीडिंग होगी, सभी साइंस के लिए होगी, सभी जेंडर के लिए होगी। सेम जेंडर रिलेशनशिप में तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। आप मैरिड हैं अपने पार्टनर के साथ सेपरेशन में तो भी देख सकते हैं। सिंगल है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है। और ये टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आपके सामने आएगी आपके साथ रेजोनेट जरूर करेगी, ठीक है। अब आप पॉजिटिव हो जाइए, अपने पार्टनर के ऊपर फोकस बनाइए, नेगेटिव आपको कभी नहीं होना है। एंजल हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है, नेक्स्ट सेक्शन क्या हो सकता है। और हमारे पास फर्स्ट कार्ड आया है किंग ऑफ वैंड्स। गाइस, कार्ड्स थोड़े उल्टे पुल्टे हो गए हैं, हम रिवर्स कार्ड तो लेते नहीं हैं। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिए हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स का नेक्स्ट सेक्शन क्या हो सकता है उनके लिए। यहाँ पर है द हर्मेट। ओके गाइस, आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा है कि आप उनकी ज़िंदगी के लिए एक रोशनी की तरह थे। अभी आप दोनों नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं या फिर हस्बैंड वाइफ दोनों अलग रह रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं एहसास हो रहा है कि अगर वो थे तो आपके लाइफ उनकी ज़िंदगी में कम से कम सुकून था। नाइन ऑफ वैंड्स, काफ़ी ज़्यादा सोचने समझने वाले हो सकते हैं आपके पार्टनर, काफ़ी टाइम तक वो आपको घुमा के रख सकते हैं। दिल की बात नहीं बताते होंगे आपके पार्टनर, थोड़ा चुप रहने वाले होंगे, लेकिन आपको खोएंगे नहीं, आपको खोने का डर उनके दिल दिमाग में है। सेवन ऑफ स्वेट्स। गाइज, आप लोगों में से किसी ने पर्पल, ब्लैक, येलो, ऑरेंज, रेड कलर, ब्लैक कलर का ड्रेस पहना हो सकता है, मल्टी कलर का भी ड्रेस पहना हो सकता है। फाइव ऑफ कप्स, काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े के चांसेस हैं आपके पार्टनर के मूड के। मूड उनका बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता है, अभी झगड़े हो रहे हैं उनके। आप इस वक्त कॉल मैसेज करने की या फिर उनको सोशल मीडिया पे स्टॉक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर उनके नोटिस में आ गई तो हो सकता है आपके साथ लड़ाई झगड़ा हो जाए। इसलिए आपको शांत रहना है, उनको स्टॉक नहीं करना है सोशल मीडिया पर, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ उनके लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ठीक है। द लवर्स का कार्य, गाइस देख लीजिए, यानी कि आपको भी कॉल मैसेज नहीं करना है क्योंकि वो आपके लिए ही स्टैंड ले रहे हैं, आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। ओके, प्रिंसेस ऑफ स्वेट्स, भैया आपके ना पार्टनर बड़े लड़ाई झगड़े के मूड में। टेन ऑफ वैंड्स, अगर आप मैरिड हैं तो आपकी शादी नहीं टूटेगी, और अगर आप सिंगल हैं, कमिटमेंट का वेट करें, तो आपके पार्टनर आपके साथ शादी करेंगे। आप लोगों का हल्दी मेहंदी का फंक्शन जल्दी ही हो सकता है। गाइस, मिठाई खिला देना मेरे को, ठीक है। नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड है, आपके पार्टनर पूरी पावर में आना चाहते हैं, पावर में आकर आपकी तरफ डिसीजन लेना चाहते हैं, आपके ऊपर पूरी निगाहें बना के रखी हुई हैं उन्होंने अपनी, आपको बिल्कुल नहीं भूले, आपको खोना बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं आपके पार्टनर। आपकी गलत फहमी होगी अगर आप ये सोचें कि आपके पार्टनर ने आपको खो दिया है, मिस नहीं करते हैं। तो द हर्मेट, आपके पार्टनर की लाइफ में आप एक रोशनी की तरह थे। गाइज, अगर पीछे से शोर आए तो उसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। आपके पार्टनर आपको एक प्रिंसेस की तरह देखते हैं, बहुत अब मेल है फीमेल है, अगर मेल है तो किंग की तरह, प्रिंस की तरह देखती हैं आपके पार्टनर। उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि उनकी सारी इच्छाएं आप पूरी कर सकते हैं, उनको खुशियां आप ही दे सकते हैं। भले से अब आपके पार्टनर आगे बढ़ना भी चाहेंगे ना, तो वो इस सिचुएशन में उनके आगे अंधेरा ही अंधेरा है, आगे बढ़ भी नहीं पाएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर अंधेरे में रास्ता अगर आप देखना चाहेंगे तो नहीं मिलता है, तो उनकी ज़िंदगी की रोशनी आप हैं। नाइन ऑफ वैंड्स, आपके पार्टनर बहुत क्लेवर हो सकते हैं, लेकिन आपको खोएंगे नहीं, सुनते सबके होंगे, करते अपने ही मन की होंगे, ठीक है। यहाँ पर है सेवन ऑफ स्वेट्स, आपके पार्टनर के पास भले से कितनी भी चॉइसेस हो लाइफ में, कुछ भी करते हो आपके पार्टनर, कितनी भी लड़कों से या लड़कियों से बात करते हो, उनके लाइफ में चॉइसेस देखी जा रही हो, लेकिन आपके पार्टनर
आपकी तरफ आएंगे। अगर आपने कोई गलती कर भी दी है तो भी आपके पार्टनर भले से आपको डांट लेंगे, थोड़ा सा चिल्ला लेंगे आपके ऊपर, थोड़ा सा गुस्सा कर लेंगे, मेल फीमेल कोई भी हो, लेकिन आपको नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, आपके लिए स्टैंड लेंगे आप, ठीक है। वो कहेंगे मुझे कुछ भी कह लो, मेरे पार्टनर को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फाइव ऑफ कप्स का कार्ड है, यह कार्ड दिखाता है कि अगर अब आपके पार्टनर आपके पास आते हैं तो कहते हैं ना कि अब वो दुनिया की नहीं सुनेंगे, दुनिया से लड़ जाएंगे आपके लिए आपके पार्टनर। लेकिन अभी आप कॉल मैसेज मत कीजिएगा उनको, क्योंकि वो आपके पार्टनर थोड़े से गुस्से में हो सकते हैं, तो उन्हें खुद को आपको कॉल मैसेज करने दीजिएगा, वो आपको मिस करेंगे ना गाइस, तभी तो ये बात आगे बढ़ेगी। द लवर्स का कार्ड है, आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं गाइस, मतलब बहुत क्लियर है ये चीज़ कि वो जो दुनिया से लड़ रहे हैं पावर में आने की कोशिश कर रहे हैं, वो सिर्फ अपने प्यार अपनी शादी को बचाने के लिए, क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वो आपके साथ जो भी आप दोनों ने प्रॉमिसेस किए थे, जो ड्रीम्स देखे थे, हमारी शादी होगी या हमारी शादी हो गई है तो हम ऐसा कुछ करेंगे, आप लोगों में से जो मैरिड लोग होंगे या जो सिंगल्स भी हैं, उन्होंने कुछ फ़ोटो फ्रेम लगाया होगा या बनवाया होगा अपने पार्टनर को गिफ्ट करने के लिए, आपके पार्टनर ने आपको गिफ्ट किया होगा। प्रिंसेस ऑफ स्वेट से आपके पार्टनर भी लड़ाई झगड़े के मूड में स्टैंड लेने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, और आप भी दुनिया का सामना करने के लिए, अगर आपके पार्टनर आके कुछ भी बोलते हैं इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, तो आप तैयार हैं पूरी तरह से इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए, दुनिया का सामना करने के लिए। अगर आप थोड़े से आप बैलेंस नहीं कर पा रहे थे समाज, अपने पार्टनर और हालात जो भी चीज़ें उन सबके बीच में, तो अब आप भी पावर में आएंगे, आप भी डिसीजन ले सकेंगे। और अगर आपके पार्टनर और आप दोनों का गुस्सा देखा जाए तो दोनों का भी बराबर है, दोनों एक दूसरे को खोने से डरते हैं। हो सकता है आपके पार्टनर का फ़ोन आए तो वो भी झगड़ा करें आप भी, तो ऐसे प्लीज़ मत कीजिएगा। टेन ऑफ पेंट्स, आप दोनों अगर शादी करना चाहते हैं, आप दोनों की शादी हो जाएगी बहुत जल्दी, और अलग नहीं होंगे, मैरिड हैं तो भी आप दोनों की शादी बच जाएगी, ठीक है। तो इसलिए परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप दोनों के रिश्ते को कुछ भी नहीं होगा, ऊपर वाले पे बहुत ज़्यादा भरोसा रखिए। एंजल में डिवाइनली गाइड कीजिएगा, नेक्स्ट सेक्शन क्या हो सकता है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर का। कभी कभी ना बहुत साफ और बहुत प्यारी एनर्जी निकल कर आती है गाइस, कार्ड जितना कुछ कह देते हैं कि ज़्यादा बताने और बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना गाइस। पॉजिटिव रहा करिए गाइस आप लोग, एंजल हमें डिवाइनली गाइड कीजिए। ओके द मून, आपके पार्टनर को कोई भड़काएगा उकसाएगा बिना आपके खिलाफ तो अब नहीं आने वाले हैं वो, तीसरे लोग की बात में, समाज की बातों में। गाइस मैं आने वाले टाइम में आप लोगों को कोई कुछ स्विच वर्ड्स कुछ मंत्र चैंट करने के लिए बता सकती हूँ, लेकिन अभी मुझे वो सही टाइम नहीं लग रहा है, और सही टाइम आने पे मैं आपको इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दूंगी कि आप लोगों को कौन सा मंत्र का चैंट करना चाहिए। ओके और देखिए ये रीडिंग सभी के लिए होती है, किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए नहीं है, तो इसलिए ओके। किंग ऑफ वैंड्स गाइस, आपके पार्टनर पूरी पावर में आके आपकी तरफ डिसीजन लेंगे, वो मेल है फीमेल है कुछ भी, द लवर्स। ओके द लवर्स का कार्ड हमारे पास इधर से भी आया था, टू ऑफ कप्स का है गाइस, आप दोनों का रीयूनियन बहुत जल्दी होने वाला है, आप दोनों के प्यार का आदान प्रदान होने वाला है, जितना आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे वापस उसी एनर्जी में आएंगे, उतना ही प्यार एक दूसरे को लौटाएंगे आप। छोटा सा बता देती हूँ, अगर आप लोग माँ कामाख्या के मंत्र का चैंट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई भी मंत्र का चैंट करें उससे पहले आप संकल्प ज़रूर ले लें, ठीक है। और अगर आप लोग नमाज़ पढ़ते हैं तो अपने पार्टनर के लिए दुआ कीजिए, दो रकात नमाज सलातुन हाजात आप पढ़ सकते हैं, और अगर आप गुरुद्वारे जाते हैं तो ये कहकर लंगर के लिए जितने भी आपको लगता है 5 रुपीज़, 10 रुपीज़, 50 रुपीज़ आप लंगर बनाने के लिए उन्हें वहाँ दे दीजिए। और अगर आप पैसे नहीं देना चाहते हैं वहाँ पर, तो कुछ वेजिटेबल्स ले जा करके, कुछ फ्रूट्स ले जाके गुरुद्वारे में आप चुपचाप रख के आ सकते हैं, ठीक है। और चर्च भी जा सकते हैं, वहाँ पे शांति से बैठ के प्रे कर सकते हैं अपने पार्टनर के वापस लौट कर आने के लिए। अगर आप नहीं जा सकते हैं, मान लीजिए कोरोना टाइम है या फिर अभी बारिश बहुत ज़्यादा है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने घर के टेरेस के ऊपर छोटे से एक बर्तन में चिड़ियाओं के लिए पानी या दाना रख सकते हैं,
अगर वो भी नहीं कर सके, आप फ्लैट में रहते हैं तो आप कभी बाहर निकलते हो वॉक के लिए जाते हो, तो आप थोड़ा सा शुगर, वाइट शुगर जिसे चीनी बोलते हैं, शक्कर बोलते हैं, वो थोड़ा सा ले जाइए, थोड़ा सा आटा लेकर चले जाइए जिसकी रोटियां बनती हैं, वो मिक्स करके बराबर बराबर से उस चींटियों को आप डाल दीजिए, ठीक है। तो कहते हैं अन्नदान बहुत बड़ा दान होता है, तो चींटियों को खाना मिलेगा तो बहुत अच्छा रहेगा आपके आपके रिलेशन के लिए, आने वाले टाइम के लिए, ठीक है। द एम्परर गाइस, आपके पार्टनर पूरी तरह से यहाँ पर पावर में आना चाहते हैं और आपकी तरफ वो एक्शन लेना चाहते हैं आपके। गाइस ये दो कार्ड्स गिरे हैं, आपके पार्टनर गाइस बहुत देखिए आपके साथ एक ऐसा रिश्ता चाहते हैं वो, आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, हो सकता है 2 महीने 2 साल 2 हफ्ते हो गए हो आप दोनों की बातचीत को ख़त्म हुए हुए, तो अब आपके पार्टनर क्या है आपसे दूरी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। दो कार्ड एक साथ आए हैं और दोनों कार्ड इस तरीके के आए हैं, 10 of 9 of Swords आया है और 4 of Swords आया है। गाइज आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा हर्ट है, हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ उनका झगड़ा हुआ हो बहुत बुरा, और वो झगड़े के मूड में तो लग ही रहे हैं हमें अभी, ठीक है। 9 of 7 of Swords भी है यहाँ पे हमारे पास, आपके पार्टनर झगड़े के मूड में है, बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, तो इस वक्त में आपको क्या करना है, थोड़ी सी दूरी बना के रखनी है ना, लेट गो टेक्निक यूज़ कीजिए, थोड़ी दूरी बना के रखिए, वो मिस करेंगे आपको, अपने आप आपके पास आएंगे, क्योंकि वो खुश तो आपके बिना नहीं है, भले सोशल मीडिया पे वो अच्छी फोटोग्राफ्स डाल रहे हों या फिर वो स्टेटस अच्छे लगा रहे हों, लेकिन नहीं, दिल से खुश नहीं है वो। अब हर जगह जाके तो ये बोल नहीं सकते ना कि मैं अपने पार्टनर या अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड के साथ सेपरेशन में हूँ और मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, ठीक है। किसी किसी के पार्टनर ऐसे भी हो सकते हैं, मैं अपनी परेशानी किसी को बताते नहीं हैं, तो आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है और आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। तो हमेशा पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए। ये थी हमारी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, बाय।